आई वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू वीडियो वीडियो टू ऑफ क्वेश्चन सीरीज फॉर क्लास ट्वेल्थ पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे आइए हम आगे बढ़ के अब कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन ये है आर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन नेसेसरी इन एपोमिक्सिस क्या एपोमिक्सिस में पॉलीनेशन और फर्टिलाइजेशन नेसेसरी है तो इसका आंसर क्या आएगा इसका आंसर आएगा नो no. वाई क्यों देखिए एपोमिक्सिस इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू ए सेक्सुअल मैथड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड सीड विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स तो एपोमिक्सिस में क्या होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है ये इसमें सीड का फॉर्मेशन तो हो जाता है लेकिन गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है अब क्योंकि गैमेट्स का फ्यूज़न नहीं होता है तो हम क्या बोलेंगे हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन यहाँ नहीं होता है और गैमेट्स का ट्रांसफर पॉलिनेशन के थ्रू होता है तो पॉलिनेशन की भी कोई नीड यहाँ पर नहीं है तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा आई थिंक सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन इज विच इज़ द ट्राइपलॉयड टिश्यू इन ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल तो अगर हम कोई फर्टिलाइज्ड ओव्यूल देखते हैं तो उसमें ट्राइप्लॉयड टिश्यू क्या होता है और ये ट्राइप्लॉयड कंडीशन अचीव कैसे होती है आती कैसे है तो आंसर आएगा इसमें एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म इज द ट्राइप्लॉयड टिश्यू इन फर्टिलाइज ओव्यूल और ये ट्राइप्लॉयड कंडीशन अचीव होती है जब दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट फ्यूज़ करते हैं तो आपको पता है कि सैक में सेंट्रल सेल होता है जिसमें दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और फिर अगर कोई आ, हमारा जो मेल गैमिट है वो आकर के इनके साथ फ्यूज़न करता है तो कंडीशन कैसी हो जाती है ट्राइप्लॉइड हो जाती है और इससे जो सेल बनता है वो आगे चल के एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करता है तो ट्रिपल फ्यूज़न का प्रोसेस था ये और ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन uh, में से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस होते हैं थर्ड क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट नेम द टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन सेल्फ इनकॉम्पेटिबल प्लांट्स सेल्फ इनकॉम्पेटिबल तो सेल्फ इनकॉम्पेटिबल प्लांट्स क्या होते हैं तो यहां पर यह समझना होगा कि ये वो प्लांट्स हैं जिसमें सेल्फ पॉलिन को प्रमोट नहीं किया जाता मतलब सेल्फ़ पोलिन अगर पोलिनेशन करता है तो उसकी पॉलिन ट्यूब फॉर्म नहीं होगी सो दीज प्लांट्स शो एडाप्टेशन या हम ये कह सकते हैं एक ऐसी आउट ब्रीडिंग डिवाइस शो करते हैं ये प्लांट कि ये अपने सेल्फ़ पोलिन को डेवलप uh, नहीं होने देते हैं ऑन द स्टिग्मा सो दैट दे कैन नॉट जर्मिनेट एंड फॉर्म द पोलिन ट्यूब तो अगर सेल्फ़ पोलिन Uh, आगे चल के पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं करेगा तो इट मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पर रिजेक्ट होगा तो ऐसे केस में कौन सा पॉलिनेशन प्रमोट हो रहा है हम यहाँ पर आंसर जान गए हैं इसका मतलब है क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पर प्रमोट हो रहा है तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर वॉट इज सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी तो अभी ये क्वेश्चन जो है ये भी हमारे पिछले क्वेश्चन से ही मैच करता हुआ है व्हाट इज सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी है ना तो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी का आंसर आपको सभी को अभी हमने बताया मैं इसका ऑडियो आपको सेंड करता हूं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी और सेल्फ स्टर्लिटी इज द इनेबिलिटी ऑफ द पॉलिन ग्रेन ऑफ ए फ्लावर टू ग्रो एंड फॉर्म फंक्शनल पॉलिन ट्यूब ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव विच आर द थ्री सेल्स फाउंड इन ए पॉलिन ग्रेन वेन इट इज शेड एट थ्री सेल्ड स्टेज तो कोई पॉलिन ग्रेन थ्री सेल्ड स्टेज पर शेड हुआ है, है न अब थ्री सेल्ड स्टेज में कोई पॉलिन ग्रेन शेड हुआ है तो उसमें कौन कौन से तीन सेल होंगे तो एक सेल तो होगा उसमें वेजिटेटिव सेल वेजिटेटिव सेल और फिर बाकी सेल्स क्या होंगे बाकी दूसरा और तीसरा सेल्स जो होंगे ये होंगे मेल गैमेट्स अब ये मेल गैमेट्स आए कहां से ये मेल गैमेट्स आए थे जनरेटिव सेल्स है जनरेटिव सेल के डेवलपमेंट से यह फॉर्म हुए थे तो अल्टीमेटली थ्री सेल कंडीशन अगर पॉलियनग्रेन की है तो वी विल फाइंड थ्री सेल्स ओके, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट तो अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं इसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर सिक्स नेम द कंपोनेंट सेल्स ऑफ एग एपरेटस ऑफ एन एम्ब्रियो सैक। किसी एम्ब्रियो सैक के एग एपरेटस में कौन से सेल्स होते हैं तो एम्ब्रियो सैक में हमने एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें ऊपर तो एंटीपोडल सेल्स हैं बीच में सेंट्रल सेल है जिसमें दो पोलर न्यूक्लियाई हैं और नीचे हमें मिलता है एग और साथ में दो सिनरजिट्स तो ये जो नीचे हमें दिखाई दे रहा है एग एंड एंडरजिट्स ये सिनरजिट्स कितने हैं दो तो दो सिनर्जिट्स और एग इनको मिलाकर के बनता है एग एपरेटस क्वेश्चन नंबर सेवन नेम द पार्ट ऑफ गाइनोशियम दैट डिटरमाइंस द कॉम्पैटिबल नेचर ऑफ ग्रेन कौन सा पार्ट है गाइनोशियम का जो ये डिटरमाइन करता है कि ग्रेन कॉम्पैटिबल है या नहीं है तो देखो अगर ग्रेन स्टिग्मा पर गिरेगा और उसके बाद पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा तो इट मीन्स वो कॉम्पैटिबल है और अगर पोलिन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो ये इनकॉम्पैटिबल हो सकता है इट मीन्स जो स्टिग्मा है वही डिसाइड करता है कि जो पॉलिन ग्रेन है उसकी कॉम्पैटिबिलिटी है या नहीं है तो विच पार्ट ऑफ गाइनोशियम डिटरमाइंस द कॉम्पैटिबल नेचर ऑफ पॉलिन ग्रेन आंसर इज स्टिग्मा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे बच्चों थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल